दरार में प्रॉपर तरीके से माल चला जाए, ये फर्स्ट कोट करते हुए आप देख रहे हैं। अगर आप इसमें कलर मिला देंगे तो वो अपना काम नहीं करेगा। नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पेंट करो चैनल में। तो चलिए आज हम बताएंगे आपको स्मार्ट केयर डैम प्रूफ से वाटर प्रूफिंग कैसे करनी है। तो देखिए, ये छत है अपनी और ये वायर ब्रश है, लोहे के औजार है, खुरपी टाइप, देखिए आप उससे अपन इसकी सफाई करेंगे। तो देखिए छत की आप कंडीशन देख रहे हैं इस तरीके से, तो अपन इसकी सफाई कैसे करनी है वो हम आपको बताएंगे। तो ये इस तरीके का ये जो गंदगी मटेरियल वगैरह पड़ा है, पहले आप इसको पूरे तरीके से छत की सफाई कर लें और फिर उसके बाद वायर ब्रश से इसकी सफाई कराएं। तो चलिए ये अपन सफाई करते हुए इस तरीके से वायर ब्रश, 8 इंची की पत्ती, हथौड़ी वगैरह, जो लूज पार्टिकल वगैरह हैं उनको आप निकाल लें, जो प्लास्टर फूल जाता है उसको हथौड़ी से बजा के और आप उसको निकाल दें, और उसके बाद सीमेंट और बालू से उसको रिपेयर कर दें, मानो रेत और सीमेंट से रिपेयर कर दें, और 2 से 3 mm के जो क्रैक्स हैं वो आप स्मार्ट केयर क्रैक सील से भर सकते हैं। तो देखिए अपन इस तरीके से इसकी सफाई करेंगे पहले। और दोस्तों सफाई में कोई कंजूसी नहीं करनी है। देखिए ये पैरा फिट वॉल है, इसको अपन 1 से 1.5 फिट ऊपर की तरफ मोड़ देंगे, क्योंकि यहीं से पानी जाने के आसार बनते हैं। देखिए ये हमारे ये कॉर्नर बना हुआ है इसका, और इसमें आपको टेप लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कॉर्नर में। तो हमारा ये ऐसा एरिया नहीं है कि जिसमें आपको कॉर्नर टेप लगाने की जरूरत पड़े, तो इसमें कॉर्नर टेप की जरूरत नहीं है भाइयों, लेकिन जहां आपको जरूरत लगे तो कॉर्नर टेप का जरूर इस्तेमाल करें। देखिए इस तरीके से साफ सफाई के बाद बढ़िया तरीके से आप इसकी धुलाई करेंगे। सफाई में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। इस तरीके से सफाई करते हुए देख रहे हैं आप, तो किसी भी तरह की पपड़ी वगैरह, लूज पार्टिकल वगैरह, जहां आपको डैम प्रूफ की वो करनी है वाटर प्रूफिंग, तो बिल्कुल किसी तरह की पपड़ी या लूज पार्टिकल वगैरह नहीं रहने चाहिए। देखिए ऐसे पानी पाइप की सहायता से आप इसकी धुलाई करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए। ये सफाई करते हुए प्रॉपर हमने छत की सफाई कर ली है। देखिए आप देख रहे होंगे कि पहले क्या कंडीशन थी छत की, और अब देखिए क्या हो गई है इसकी कंडीशन, आप देख रहे हैं। देखिए ये सफाई करते हुए, अब दोस्तों ये सफाई करने के बाद आप 20 लीटर में 1 लीटर एसिड मिला के, मानो ये 3,500 से 4,000 स्क्वायर फिट की अपनी छत है, तो देखिए ये एसिड है, और 20 लीटर पानी में 1 लीटर एसिड मिला के मग्गे की सहायता से धीरे धीरे सारी छत में फैला लें। जितने भी पानी आप यूज करें हर 20 लीटर के हिसाब से, और एक एसिड की बोतल उसमें डालते रहें, और इस तरीके से मग्गे से सारी छत पर फैला दें, और इसको 20 मिनट या आधा घंटे के लिए आप छोड़ दें। जैसे देखिए झाड़ू की सहायता से जो एसिड का पानी है उसे इस तरीके से सारी छत पर फैला दें, और 20 मिनट आधा घंटे के लिए अपन इसको छोड़ देंगे, और उसके बाद पाइप से फिर एक बार बढ़िया सफाई कर दें इसकी। तो ये छत में जितने भी आप क्रैक्स वगैरह में जितना भी मटेरियल और गंदगी है वो एसिड से सारी बाहर आ जाएगी। देखिए इस तरीके से सफाई करते हुए देखिए कितनी गंदगी है, आप देख रहे हैं। ये अपनी धुलाई कंप्लीट होने के बाद कहीं कोई थोड़ी बहुत गंदगी है तो उसको आप ब्रश की सहायता से इस तरीके से साफ कर लें। देखिए ये छत अपनी नीट एंड क्लीन साफ हो गई है। एक ये अपना डैम प्रूफ है। इसकी अगर दोस्तों पैकिंग की बात करें तो 1 लीटर 4 लीटर 10 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग में आता है। देखिए हमारी बाल्टी फुल गई है, इसको दूसरी बाल्टी में अपन पलट लेंगे इस तरीके से, और इसमें ये 1 लीटर में जो पानी की बात करेंगे आप, तो 300 से 350 ml पानी पड़ता है प्राइमिंग कोट के लिए ये, तो 6.5 से 7 लीटर पानी आपका 20 लीटर की बाल्टी में पड़ेगा। तो देखिए ये प्राइमिंग कोट के लिए मटेरियल तैयार करते हुए आप देख रहे हैं। और दोस्तों ये सिर्फ वाइट कलर में ही आता है, और इसमें कोई स्टेनर वगैरह मिलाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग मेरे से कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर इसमें हम कोई कलर यूज कर लें तो हमारी छत का कलर बदल जाएगा। जी नहीं, ये अगर आप इसमें कलर मिला देंगे तो वो अपना काम नहीं करेगा, क्योंकि वाइट कलर धूप को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, इसलिए आपको इसमें कोई कलर नहीं मिलाना है। धूप को मानो अवशोषित नहीं होने देता है, और धूप आती है और वाइट कलर से रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाती है, तो इससे अपने तापमान में गिरावट आती है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी कलर आपको नहीं मिलाना है। अपना फर्स्ट कोट प्राइमिंग कोट करते हुए आप देख रहे हैं,
तो दोस्तों इसकी मैं सूखने की बता दूं, 4 से 6 घंटे का अंदर अंतर होता है इसमें फर्स्ट से सेकंड कोट के बीच में। तो देखिए ये फर्स्ट कोट करते हुए आप देख रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसको कहां कहां किया जाता है। तो आप इसको RCC छत, बिल्डिंग रूफ, टेरेस, पैरापेट, सनसेट और एक्सटीरियर वर्टिकल वॉल पर किया जाता है। इसकी अपन वारंटी की बात करेंगे तो 8 ईयर्स की इसकी वारंटी होती है, मानो 8 साल की वारंटी होती है। देखिए ये अपना फर्स्ट कोट करते हुए, देखिए ये स्मार्ट केयर क्रैक सील है, जो अपन ने फर्स्ट कोट करने के बाद जो क्रैक हैं 2 से 3 mm के, तो वो क्रैक अपन इस तरीके से देखिए स्मार्ट केयर क्रैक सील से अपन पैक कर देंगे। देखिए इस तरीके से ये क्रैक भरते हुए। और दोस्तों आप इसको नए प्लास्टर पर करें तो ध्यान रहे 25 से 30 दिन प्रॉपर क्यूरिंग होनी चाहिए प्लास्टर की, उसके बाद आप स्मार्ट केयर डैम प्रूफ अप्लाई करें। और पुरानी छत पर करें तो छत के लूज पार्टिकल वगैरह, जो प्लास्टर फूल जाता है, जो बजने लगता है उंगलियों से हथौड़ी से, आप उसको निकाल दें और उसके बाद आप उसको सीमेंट और बालू मानो रेत से उसकी रिपेयर कर दें, फिर उसके बाद अप्लाई करें आप। तो देखिए ये अपना स्मार्ट केयर क्रैक सील से अपन क्रैक भरते हुए दिखा रहे हैं आपको। देखिए इस तरीके से प्राइमिंग कोट करने के बाद ये क्रैक पैक करते हुए देख रहे हैं आप। और इसकी पहले कोट की अगर कवरेज की बात करेंगे आप प्राइमिंग कोट की, तो ये 10 स्क्वायर फिट के आसपास 1 लीटर में इसकी कवरेज आती है। मटेरियल तैयार करते हुए देखिए, अब इसमें कोई भी पानी नहीं मिलाएंगे अपन। देखिए इसमें कोई भी पानी नहीं मिलाएंगे, बस इसको निकाल के मिक्स करके और अपन इसको अप्लाई करेंगे। वारंटी के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दे दूं दोस्तों, वारंटी आपको जब भी मिलेगी आप मिनिमम 40 लीटर मटेरियल परचेज करेंगे और उसमें आपका 1000 स्क्वायर फीट एरिया मिनिमम होना चाहिए। और वारंटी के लिए आप साइड को 45 दिन के अंदर आपको एशियन पेंट में रजिस्ट्रेड कराना होगा। जब आप एशियन पेंट में साइड अपनी रजिस्ट्रेड करा देंगे, तो रजिस्ट्रेड कराने के बाद आपको एक एशियन पेंट से OTP आएगा, आप उस OTP को वेरीफाई करा देंगे तो आपका समझो कि साइड आपकी रजिस्ट्रेड हो गई है। और आप जो पैराफिट बॉल है उसको 1 से 1.5 फिट ऊपर की तरफ मोड़ें जब भी वाटर प्रूफिंग करें। देखिए इस तरीके से हमने मोड़ा है, जब भी आपको ये वारंटी मिलेगी। देखिए ये दूसरा कोट कंप्लीट करने के बाद अब अपन तीसरा कोट कंप्लीट करेंगे। देखिए ये तीसरा कोट, अब मैं बहुत अच्छी आपको जानकारी दे दूं कि 2 कोट जो अपन ने किए थे जो ब्रश की सहायता से किए थे, अब तीसरा कोट अपन रोलर की सहायता से करेंगे। और पहला कोट दूसरा कोट ब्रश से क्या है कि पीस पीस के घोंट घोंट के आप ब्रश को चलाएं, जिससे क्रैक्स वगैरह में दरार में प्रॉपर तरीके से माल चला जाए। देखिए ये तीसरा कोट अपन रोलर से, ये मानो फाइनल कोट रोलर से करते हुए देख रहे हैं आप। देखिए और आप ये सारा मटेरियल ब्रश रोलर जो भी आप अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे इस डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप ये सामान परचेज कर सकते हैं। तो देखिए ये तीसरा कोट फाइनल होते हुए आप देख रहे हैं, ये तीसरा कोट फाइनल होते हुए आप देख रहे हैं। देखिए तो बताइए मुझे कमेंट्स में कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको हमारे चैनल पर डैम प्रूफ अल्ट्रा की वीडियो देखनी है तो ये वाली वीडियो देखें। धन्यवाद।